इट गेट्स री रियल दोस्तों इट गेट्स री रियल और आई डोंट नो वट एल्स टू से बट कि बार्सलोना सफ़र कर रही है एक बीमारी से आई नो बहुत प्राइवेट बीमारी है ना ऐसे खुले में बात करने नहीं चाहिए बट मेरी खुशी छीनी है इस क्लब ने तो भाई मैं तो इनकी इनसे कुछ छीनूंगा ही बेसिक इनकी इज्जत क्यों ना हो तो आई हैव अ कॉन्फर्मेशन फ्रॉम माई इन साइड सोर्सेज दैट बार्सलोना आर सफरिंग फ्रॉम एल डी एस ठीक है अब आप कोई इसकी फुल फॉर्म गूगल करनी है कर लो फुल फॉर्म मैं नहीं बताना चाहता जो भी है लेकिन दे आर सफरिंग फ्रॉम दैट एंड भाई कोई भभूत कोई बाबा का धूल uh, मसाला कुछ तो हमको खाना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू गेट रिड ऑफ दैट बिकॉज कल का मैच और फिर रियाल मड्रिड वाला मैच देख के भाई मेरी आंखें खुल चुकी हैं वी आर एक्टिंग लाइक लिटिल ब्रोज भाई ठीक है इस सीज़न और फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स एज वेल वी आर एक्टिंग लाइक लिटिल ब्रोज आप देख आप इस गेम में आ रहे हो मायोरका को पेल के अवे जाके ठीक है एंड ड पिल के आ रही है बिल्बाओ से ठीक है फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट जिरोना आर प्लेइंग बेटर देन रियल दिस सीजन ठीक है दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट यू आर लीग लीडर्स अभी अभी ने बॉटल किया तो मोमेंटम आपकी साइड है ठीक है एंड वट डू यू डू यू ड्रॉप पॉइंट अगेन अगेन फकिंग अगेन भाई पिछले चार पांच मैचेस में वी हैव ड्रॉप पॉइंट्स इन द फोर मैचेस और इट्स नॉट गुड भाई अगर आप लीग टाइटल जीतना चाह रहे हो तो अपने पिछले पाँच मैचेस में तीन ड्रॉज एक लॉस एक जीत के इन स्टार्ट से हाथ नहीं जीत सकते भाई इट्स जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल इट्स ला लीगा इट्स नॉट लीगा इट्स नॉट सेरिया सैरिया दल भाई पता नहीं क्या हुआ भाई लास्ट मिनट में गोल खा लिया और जब आप पूरे मैच को एनालाइज करते हो वो लगता है कि पहले तो इनिशियली लगता है कि ओके वी गॉट अन ऐसा वैसा बट जब आप पूरा मैच एनालाइज करते हो तो एक्सडी पता कितनी थी हमारी जीरो 0.46 फोर सिक्स जीरो की एक्सडी जी थी बार्सिलोना की और बेटिस की 2 प्लस की एक्सडी थी तो भाई अनफेयर तो नहीं था कुछ वी वर द सेकंड बेस्ट साइड पहले हाफ में तो वी वर टोटल वी वर टट्टी भाई ठीक है स्ट्रेट अप एस थे लेकिन दूसरे हाफ में वी इंप्रूवड बट भाई बट बैटिस वर ऑलवेज बेटर देन अस और पेनल्टी कॉल पे आप देखोगे तो इट वॉज कॉन्ट्रोवर्शियल बट अगर आप डिओग हो वाई आर यू कमिंग इन टू दैट चैलेंज दिस अग्रेसिव आपने अगर कैचअप कर लिया है यू कैन जस्ट शील्ड द बॉल यू कैन जस्ट शील्ड द बॉल भाई अगर बॉल जाती है इफ़ दे गो वन ऑन वन दैट्स फाइन ऐसा वैसा आप ये टैकल करना ये फ़ाउल करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे बिकॉज यू आर जस्ट लीडिंग वन निल और उस टाइम पे यू कैन डू दैट लेकिन भाई इंडिविजुअल एरर्स थे गंदी गंदी मिस्टेक्स थी एंड लीग जो है ना डिसाइड होने वाली है दो की तीन पॉइंट्स है ठीक है पूरे सीजन के एंड में ये तो फैक्ट है और ये जो हरकत जो आज हमने की है वो जो हरकत हमने कुंडे वाले मैच में की थी मतलब उनके साथ की थी किसके साथ की थी लास्ट पाल के साथ सेल्टविगो के साथ की थी जो हरकत भाई तो इट्स नॉट गुड और वी नीड टू तो बी मोर केयरफुल ये कोई ऐसी लीग नहीं है जो ब्रियाल मंडेड कोई बैंटर क्लब नहीं है दे वोंट गिव यू मैनी चांसेस और कल उन्होंने दिखाया भाई जिरोना के साथ अवे जाके दे रैन राइट उन्होंने तीन गोल स्कोर किए एंड विनीसियस के एप्सेंस में वी नीड टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट एम्बाप इज़ नॉट दैट गाई बैलिंगम इज हिम के केप्स में he गया है। या फिर तीन चार मैचों से ही कार्लो ने थोड़ा ट्वीक किया था लाइन अप देखोगे तो इट्स नॉट एल कार्लो लाइनअेंज उसने गुलेर को स्टार्ट बजवायाट अ टैलेंट गुलेर डी एस मेरे को कल अच्छा लगा बेलिंगम तो ऑब्वियसली बेस्ट गेम नहीं थी उसकी बट ही वॉज क्लिनिकली स्कोर दट फर्स्ट गोल जिसने मोमेंटम दिया कॉन्फिडेंस दिया रियालडेड को बिकॉज अगर रियाल जीरो के अगेंस्ट कंसीड करती तो फिर बैकफुट पे चली जाती और उसके बाद एम्बापे को भी बहुत सारे चांसेस मिले थे ही कुड नॉट स्कोर दैम बट ही गॉट हिज गोल इवेंचुअली लेकिन कल का मैच वाज़ अ परफेक्ट इंडिकेशन कि बेलिंगम का स्टेटस क्या है एस टी में एम्बापे आ जाए मेड्रिड में रोनाल्डो आ जाए मैसी आ जाए जो भी आ जाए बेलिंगम इज एन अनरिप्लेसबल प्लेयर फॉर दिस क्लब अट मॉडरिच भाई मॉडरिच छः सौ साल की उम्र में बंदा ऐसे खेल रहा है इट्स अनदर गेम भाई ही रैन इट बैक लास्ट नाइट ही रोल्ड बैक द इयर्स और व्हाट अ गेम भाई व्हाट अ गेम उसकी लॉन्जेविटी इज इनक्रेडिबल वी नीड टू अप्रिशिएट दैट वेरी मच एंड अब भाई बस दो पॉइंट्स का गैप बचा है और एक मैच उनके पास है इफ़ दे विन दे विल गो वन पॉइंट क्लियर वन पॉइंट क्लियर जाना कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है बट जब हम कंसीडर करते हैं हमारी पोजीशन क्या थी वी वर सिक्स पॉइंट्स क्लियर ऑफ दीज पम्प्स तो वी नीड टू यू नो लुक आर सेल्स इन द मिनर और हमारे क्वेश्चन पूछने चाहिए कि वट द फक इज़ गोइंग ऑन भाई पिछले तीन चार मैचेज है इज़ द इंटेंसिटी गोइंग डाउन बिकॉज द प्लेयर्स आर नॉट फिजिकली फिट और Uh, uh, क्या बोलते हैं आपका फ्लिक का फुटबॉल इज वे टू डिमांडिंग अगर ऐसा है तो फ्लिक को फिर अपनी स्क्वाड के हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा फुटबॉल भाई वी कांट अफोर्ड मैनी लग्जरीज दिस सीजन और अगले थोड़े सीजन के लिए भी हमारे को हमारी फाइनेंशियल कंडीशन पता है तो फ्लिक के पास जो है ही नीड्स टू वर्क विद डैट कल के मैच के बारे में वट डू यू थिंक एज अ बार्सिलोना फैन एज अ रियाल मड फैन आई थिंक